महू की बेटी अंजलि ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अंजलि गहलोत्रा का एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, जिस पर परिजनों में उत्साह का माहौल है। अंजलि परिवार की एकमात्र सदस्य है जो कि एयरफोर्स में भर्ती होकर देश की सेवा करेगी। महू के समीप गवली पलासिया निवासी कृषक अरविंद्र गहलोत्रा की बेटी अंजलि गहलोत्रा का चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है। अंजलि के परिवार समेत गाँव में खुशी का माहौल है। अंजलि के दादाजी किशन लाल गहलोत्रा ने चर्चा में बताया कि हमारे परिवार में जय जवान जय किसान के नारे को हमारी बेटी ने साकार किया है। हमारा पूरा परिवार खेती करता है, लेकिन परिवार में बिटिया अंजलि का एयरफोर्स में चयन होने से अब पूरे पाटीदार समाज में एकमात्र बिटिया है जो कि देश की सेवा भी करेगी। अंजलि के जज्बे को देख अब पाटीदार समाज में भी अन्य बेटियों में भी यह जज्बा देश सेवा से जुड़ेगा। वहीं चर्चा में अंजलि ने बताया कि मेरा बचपन से ही देश की सेवा करने का लक्ष्य था और यह सपना आज पूरा हो गया। 91 लड़कियों में अकेला मेरा सिलेक्शन होने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम किशन लाल गहलोत्रा है। गहलोत्रा जी, आप के परिवार में कोई भी सेना में था या गया है? जी नहीं, हम केवल खेती ही हमारा काम है। सेना में पहली बार हमारी बिटिया गई है तो बहुत बहुत खुशी हो रही हूँ मैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं, बिटिया देश की सेवा करने जा रही है। वायुसेना में जाना एक बहुत बड़े भाग्य की बात है और हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और हम अब एक बेटे, मेरे बेटा जो अरविंद गहलोत्रा है उसकी बिटिया है ये, और उसका एक बेटा है। तो एक बेटा खेती करता है और बिटिया वायुसेना में गई, तो जय जवान जय किसान का नारा हमारे मंत्री अब जय जवान जय किसान का नारा लेकर जी बिटिया देश की सेवा करने, और जय सेना भी तो बोल सकते हैं हम। जी है, जय सेना जय सेना। आप फील्ड तो वो चेहरे से खुशी महसूस कर रहे हैं, फील्ड तो महसूस नहीं कर रहे हैं, बिटिया देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, बहुत। भैया ने इसमें SSB के थ्रू प्रयास किया और इसका क्या कोरोना के टाइम से इसका उस टाइम भी इसने एग्जाम का उसमें हो गया था, एग्जाम देके इसको जाना था, उस टाइम इसको कलकत्ता जाना था, पर वो कोरोना के कारण हम भेज नहीं पाए, हमको ले जा नहीं पाए। फिर अभी कोरोना के 2 साल बाद फिर इसने एग्ज़ाम दी, फिर SSB में फिर सिलेक्शन हुआ इसका। फिर ये वाराणसी गई थी 5 दिन की इसकी एग्ज़ाम थी वहाँ पर, और उसमें क्या टोटल इंडिया के सभी प्रांतों से 91 बच्ची थी, उसमें से ये 53 सिलेक्ट हुई थी और 53 में से एकमात्र यही सिलेक्ट हुई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी मीडिया को भेजने की बात है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, देश की सेना में बिल्कुल जो सबसे बड़ी बात है, देश के लिए काम करना बहुत गर्व का विषय है। आपका नाम? अरविंद गहलोत्रा। जैसे कि मेरा जन्म महू क्षेत्र में हुआ है जो कि मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर है। बचपन से जो मैंने देखा है उसमें आर्मी के सराउंडिंग्स मैंने देखी है, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो भी कर्नल्स एकेडमी में हुई है। तो जैसे कि नाम ही, मेरे स्कूल का नाम ही कर्नल्स है, तो मैं बचपन से उस एनवायरमेंट में बड़ी हुई हूँ और वहाँ से मुझे और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हुई, जिसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन में BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था और MSc फिजिक्स में किया, जिसके बाद मैंने इंडियन एयरफोर्स में मेटोलॉजी ब्रांच जो कि पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच्चे साइंस में करते हैं उन्हीं के लिए ओपन की जाती है, उसमें मैंने अप्लाई किया। और SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन होती है जिसके लिए मैं वाराणसी गई थी। ये 5 दिन की प्रोसेस होती है पूरी, जिसमें 91 लड़कियों में से एक मेरा रिकमेंडेशन हुआ था वहाँ से। मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने शुरुआत से ही मुझे मोटिवेट किया है हमेशा से, क्योंकि मेरी पढ़ाई में वैसे अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं और तभी से उनका ये सपोर्ट हमेशा से रहा है मेरे साथ में। जो बच्चा अच्छा पढ़ता है वो उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, और वही सबसे पहले व्यक्ति हैं जो हमेशा मेरे को मोटिवेट करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। और मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर तरीके से मोटिवेट किया है, और आज मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से ही हूँ मैं यहाँ पर। देश सेवा में आप उच्च पद पर जा रहे हैं, आगे भविष्य की क्या योजना है आपके? फिलहाल मेरी 1 साल की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है 11 जुलाई से एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, जिसके तत्पश्चात मैं फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक पे पोस्ट होंगी। और कुछ संदेश देना चाहते हैं?
मैं सभी यूथ से ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जैसे कि और भी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आजकल आने लगी है, तो नए नए फील्ड्स में जाएं और अपने देश की हर तरह से। महू से सुनील काले की रिपोर्ट।